नमस्कार, मैं हूं भीमा चित्रा और आप देख रहे हैं रोजगार विथ भीमा चित्रा। तो दैनिक रोजगार समाचार में आप सभी का स्वागत है। जेई मेन 2023 में 96.08% विद्यार्थी जो है परीक्षा में हुए शामिल। जेई मेन 2023 के लिए दूसरे दिन दोनों शिफ्टों में 96.08% छात्रों ने परीक्षा दी। नागालैंड, मिजोरम और दादर नगर हवेली में 100% छात्र उपस्थित रहे, जबकि उत्तर प्रदेश में सुबह और शाम के शिफ्ट में 93 से 94% छात्र शामिल रहे। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक देश भर में जो है लगभग जेई मेन के 2023 की परीक्षा दूसरे दिन में सफलतापूर्वक आयोजित हो गई और दादर नगर हवेली के नागालैंड के छात्रों की जो उपस्थित थी वो 100% थी। अगली खबर की बात करें तो यहाँ पर 25 लाख अभ्यर्थियों का स्कोर कार्ड जारी हो चुका है। उत्तर प्रदेश अग्नि सेवा चयन आयोग की तरफ से UPSSC ने बुधवार को प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी कि PET 2022 का परिणाम घोषित कर दिया और इस परीक्षा में 25,23,478 अभ्यर्थी शामिल हुए थे और सभी का स्कोर कार्ड जारी कर दिया गया है। इसमें 612 अभ्यर्थियों का रिजल्ट 70 से घोषित किया गया है। यह स्कोर कार्ड एक वर्ष के लिए मान्य होगा और विभिन्न सरकारी विभागों में भर्ती के लिए आयोजित होने वाली जो आयोग की वेबसाइट है उस पर बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों द्वारा रिजल्ट सर्च किए जाने के कारण करीब 4.5 घंटे वेबसाइट ठप रही। रात 10:30 बजे वेबसाइट फिर से शुरू हो गई है और UPSSC के अध्यक्ष अभ्यर्थियों की छटनी के लिए जो ये प्रक्रिया अपनाई गई है। इसमें आपको बता दें कि भर्ती परीक्षा में जो विज्ञप्ति आती है उसमें लगभग 15 गुना अभ्यर्थियों को शामिल किया जाता है। जैसे अगर मान लीजिए 4,000 भर्ती आती है तो 15×60 लगभग 6 लाख अभ्यर्थियों को इसमें अभ्यर्थी के लिए सेलेक्ट किया जाएगा। अगली खबर की बात करें तो यहाँ पर एक बड़ी खबर ये स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। DU PG में लगभग दाखिले के लिए देना होगा CUT, यानी कि अकादमिक काउंसलिंग में चर्चा के बाद प्रस्ताव पर मुहर लग चुका है और दिल्ली विश्वविद्यालय के शैक्षणिक सत्र 2023-24 में स्नातकोत्तर PG में दाखिले के लिए अब DU के छात्रों को कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी कि CUT देना होगा और दाखिले के लिए पूरी तरह से CUT स्कोर को देखा जाएगा। पिछले साल की तरह एंट्रेंस और मेरिट के दाखिले नहीं होंगे। PG के हर कोर्स के आधार पर CUT का पेपर तैयार होगा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के ओर से PG के लिए ये CUT का कार्यक्रम प्रत्येक सेमेस्टर में किया जाएगा और अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको CUT का एग्ज़ाम देना होगा। CUT के एग्ज़ाम की रिपोर्ट्स की बात करें तो फरवरी के फर्स्ट वीक में विज्ञापन जारी हो जाएगा और लगभग मई से अप्रैल तक आपका एग्ज़ाम होगा। जुलाई से आपका नया सत्र स्टार्ट हो जाएगा। अगली खबर की बात करें तो यहाँ पर एक बड़ी खबर है। उम्र 17 होते ही आप वोटर बनने के लिए यानी कि वोटर कार्ड बनवाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये यहाँ पर ऑफिशियली वेबसाइट पे दिया गया है। अगली खबर की बात करें तो ये रही आपके स्क्रीन पर। आज मनेगी सीधी संस्कृत उत्सव। सुभाष कॉलेज में शुरू हुआ अभ्युदय कोचिंग। बड़ी संख्या में रजिस्टर्ड स्टूडेंट रहे मौजूद और शहर के 3 कॉलेजों के बाद बुधवार को नेताजी सुभाष चंद्र बोस राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय में जो कि अलीगंज में है मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत कोचिंग कक्षाएं शुरू की गई। अगली खबर की बात करें तो ये रही आपके स्क्रीन पर। यहाँ पर बात किया जा रहा है परीक्षार्थियों को फ़ोन पर कर रहा है UP बोर्ड सचिव बोल रहा हूँ। जिस तरह से अमिताभ बच्चन जी कौन बनेगा करोड़पति में बोलते हैं उसी प्रकार ये पहली पहल है यूपी बोर्ड की बच्चों के पास कॉल करके और बोल रहा है कि मैं सचिव बोल रहा हूँ। इससे जो परीक्षार्थियों का डर है वो ख़त्म होगा। परीक्षार्थी अगर कुछ राय या फिर विचार लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अगली खबर की बात करें तो यहाँ पर एक बड़ी खबर है। ICC वर्ष श्रेष्ठ क्रिकेटर बनने के सूर्य कुमार को बहुत बहुत बधाई। जैसा कि आपको बता दें कि 2022 के लिए T20 क्रिकेट में सूर्य कुमार यादव रहे श्रेष्ठ पर। यहाँ पर देख सकते हैं इनके रिकॉर्ड के बारे में दिया गया है। अगली खबर की बात करें तो ये रही आपकी स्क्रीन पर। इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट लिमिटेड 30 पदों पर, मैनेजर के विभिन्न पदों पर मौके हैं। अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आप इसे ऑफिशियली वेबसाइट से कर सकते हैं। 13 फरवरी 2023 तक आपका डेट है। SBI में 10 पदों के लिए भर्ती है। अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आप इसी ऑफिशियली वेबसाइट से आवेदन कर सकते हैं। तो फिलहाल ये सारी जानकारी थी। और CSIR में CIMFR के 81 पद हैं। अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो इस ऑफिशियली वेबसाइट से आवेदन कर सकते हैं, यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। ये बुलेटिन की न्यूज़ आपको कैसी लगती है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसी खबर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना।